सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। गाइस, जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो तो रील्स बनाने के साथ साथ गाइस उसकी एडिटिंग भी आपको काफी अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना अच्छा आप अपने रील्स को एडिटिंग करोगे गाइस, उतना ही ज्यादा आपके रील्स वायरल होने के चांसेस रहेगा। तो इससे गाइस आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर भी इंक्रीज होगा। आज की वीडियो में गाइस मैं यही बताने वाला हूँ कि वीएन एप्लीकेशन से आप अपने इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे एडिटिंग कर सकते हो। तो सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन आज टेक में। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है गाइस आप सभी को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन में वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो देन यहाँ पर मैं वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरा वीएन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, सिंपली इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं जितने भी रील्स शूट करके रखा है वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी एक रील्स को एडिटिंग के लिए यहाँ से मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को नीचे में एरो का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा गाइस। तो प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, देख सकते हो। तो गाइस यहां से हम आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को इस तरह से स्क्रॉल करके देख लेना है, एंड इधर इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको आपको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए यहां पर आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली इसी ऊपर क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम इसमें इफेक्ट्स डालेंगे गाइस। सबसे पहले तो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ इफेक्ट्स लिखा है। यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ट्रिमर वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। सीजर का ऑप्शन, ट्रिम का ऑप्शन, कुछ इस तरह से विभिन्न प्रकार के फीचर दिया गया है इस एप्लीकेशन में। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम आप लोगों को ये रील्स को एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो गाइस इस तरह से प्ले करके आप देख लेना है। अब इसमें हमको इफेक्ट्स लगाना है। तो इफेक्ट्स लगाने के बाद गाइस यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है, सिंपली इसी ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को तरह तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो मैं सिंपली इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से आप लोगों को इसको सीजर में स्प्लिट कर लेना है, तो मैं यहाँ से स्पीड कर लेता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ से जूम आउट वाला इफेक्ट्स है, यहाँ से हम लोगों को डालने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड जूम वाला ऑप्शन यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जूम टू वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया है, एंड इसके ड्यूरेशन को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मैं इतना ही रखूँगा। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको आगे आ जाना है कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके। अब इफेक्ट डाले हैं तो हम फिर से इफेक्ट वाले में आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से हम कोई इफेक्ट अपने रील्स में हम डालने वाले हैं, तो मैं सिंपली ये वाले इफेक्ट को अपने रील्स में यहाँ तक मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर फिर राइट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब फिर से हम आगे जाते हैं स्क्रॉल करने के बाद, और यहाँ पर हम लोग फिर से सीजर वाले ऑप्शन में जाते हैं, एंड यहाँ से हम फिर से इसको कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद गाइस फिर से हम लोग यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ से हम लोग कोई एक इफेक्ट यहाँ से फिर से डालते हैं। तो इस वाले इफेक्ट काफ़ी बेहतरीन लगता है गाइस, तो ये वाला इफेक्ट को मैं अप्लाई कर दिया हूँ। अप्लाई करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को राइट का ऑप्शन दिख जाता है, तो राइट के ऑप्शन को सिंपल क्लिक कर देना, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये अप्लाई हो जाएगा। देन हम यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं, तो आपको फिर से यहाँ पर इफेक्ट्स डालना है। तो यहाँ पर मैं फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइटिंग वाला कुछ इस तरह से इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। जो इफेक्ट्स आप लोगों को अच्छा लगता है उसको आप अपने रील्स में अप्लाई कर सकते हो, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इस लाइट वाले इफेक्ट्स को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट का ऑप्शन आ गया है, सिंपली इस ऊपर क्लिक कर देना। अब हमारा रील्स को हम प्ले करके एक बार देखते हैं कि कैसा बना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इफेक्ट्स डाला है। मैं इसके वॉल्यूम को म्यूट कर दिया हूँ गाइस, क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन है इस वजह से। तो कुछ इस तरह से आप इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये एंडिंग पार्ट में आप लोग लाइट कर सकते हो, या फिर फर्स्ट
ओपनिंग पार्ट में हूँ लाइट कर सकते हो, तो मैं एंडिंग पार्ट में क्या हूँ। ईवीएन एप्लीकेशन में इस इफेक्ट को आप यूज करने के बाद गाइस आपके जो रील्स है वो काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसके लुक जो है काफ़ी बेहतरीन हो जाती है और देखने में काफ़ी प्रोफेशनल टाइप के लगता है। तो इस तरह से गाइस आप भी अपने रील्स को वीएन एप्लीकेशन से काफ़ी सिंपल तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप रील्स को एडिटिंग करना सीख ही जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आप शेयर कर देना ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।